जय शिव संभव। आपका एक बार फिर से ही मेरे यूट्यूब चैनल अघोरी बाबा के अघोरी शक्ति मंत्र और टोटके के अंदर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी जो भी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो मित्रों, इसी के साथ हम आपको शक्तिशाली डोनट टोटका की विधि बताएंगे, जिसके अनुसार से आप अपने दुश्मन को ख़त्म करने का, तड़पा के मारने का इतना आसान टोटका यह है। बिना मंत्र का यह टोटका है, दुश्मन को तड़प तड़प कर मारने का ये टोटका है। काफ़ी लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, हज़ारों लोगों ने इसका फ़ायदा उठा चुके हैं, हज़ारों लोगों के ये टोटका सिद्ध हो गया है। और इस टोटका का मैंने सिद्ध करके देखा है मित्रों, जब भी ये टोटका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ, इसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा चीज़ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, दुश्मन को तड़प तड़प कर मारने का ये टोटका है। लाभ हज़ारों लोगों ने उठाया है, आप भी उठाए। परंतु मित्रों, किसी भी गलत मकसद के साथ ये टोटका देखो बिल्कुल से भी मत करना, क्योंकि ये मित्रों, अगर आपने किसी गलत मकसद के साथ किसी के ऊपर ये टोटका करने की कोशिश कर ली तो ये आपके ऊपर उल्टा हो सकता है। तो ये इसी के साथ टोटका सिद्ध नहीं होगा, मुझे पता है, क्यों बट आप किसी के गलत मकसद के साथ करोगे तो ये टोटका नहीं होगा। अगर आपको कोई परेशान काफ़ी कर रहा है, हर चीज़ के अंदर आपको दिक्कत परेशानी कर रहा है, हर चीज़ के अंदर आपके बीच में आ रहा है, जैसे फैमिली में काफ़ी चीज़ों में आपके बीच में आ रहा है, तो ये टोटका ज़रूर सिद्ध कीजिए, तभी ये टोटका सिद्ध होगा। अब अन्यथा ऐसे किसी के ऊपर करेंगे तो ये बिल्कुल से भी नहीं होगा। अगर आपको कोई व्यक्ति परेशान बहुत कर रहा है तो तभी ये टोटका सिद्ध होगा। तो ये इसके लिए टोटका मैंने सिद्ध किया हुआ है, मैंने काफ़ी बार ट्राई करके देखा है और मैंने इस टोटका सिद्ध कर लिया है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसी के साथ आपको क्या करना है, उसकी तो आपको सबसे पहले, उसकी तो आपके पास होनी चाहिए एक फ़ोटो, चाहे बड़ी हो कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इतनी बड़ी होनी चाहिए जिससे अपना उस व्यक्ति का नाम लिख पाएँ और उस व्यक्ति का माता पिता का नाम लिख पाएँ। फिर क्या, इतना ही काम करना है। नाम बेटा आपको मित्रों किससे लिखना है, आपको लाल सिंदूर होता है उसी से, उसके ऊपर पे नाम लिखना है, जो अपने फ़ोटो पर नाम लिखना है आपको। फ़ोटो पर नाम किससे लिखना है, संदूर से लिखना है, और मोर पंख आपके साथ होनी चाहिए, मोर पंख और संदूर और उस व्यक्ति की फ़ोटो, फ़ोटो के ऊपर संदूर से, जो मोर पंख से, उस व्यक्ति का पहले तो नाम लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है और उसका माता पिता का नाम लिखना है। इसी के साथ ही आपको ये टोटका शनिवार के दिन रात्रि को, जैसे सोमवार के दिन आपको ये टोटका तो सिद्ध करना है, ये टोटका का उपाय कर लेना है, और शनिवार के दिन इस फोटो को आपको क्या करना है, जला देना है। जला देने के बाद में इस जो फोटो की राख होगी, उस फोटो की राख को आपको क्या करना है, कहीं शमशान घाट के अंदर जाना पड़ेगा, वहाँ जाके ये राख फेंक आनी है। कहीं भी आप शमशान घाट के पास हो तो वहीं आपको ये राख वहीं फेंक देनी है, वहीं इसकी आत्मा वगैरह वहीं फैलती रहेगी आपकी, कभी किसी प्रकार का किसी चीज़ में नुकसान नहीं होगा। आप जैसे ही फ़ोटो, जितनी देर फ़ोटो चलेगी उतनी देर में वो आपका दुश्मन तड़प तड़प कर वहीं ख़त्म हो जाएगा, और जो आपका दुश्मन है वहीं आपका समाप्त हो जाएगा, दुनिया का छोड़कर चला जाएगा, टोटका वहीं सिद्ध हो जाएगा। तो उसी के साथ उस राख को आपको क्या करना है, शमशान घाट के अंदर फेंक देना है। सोमवार को तो पहले ये सिद्ध कार्य करना है संपूर्ण पूरा, उसके बाद शनिवार के दिन आपको ये टोटका का उपाय कर लेना है, जला देनी है फ़ोटो को, फिर फ़ोटो को जलाने के साथ में आपको शमशान घाट के अंदर राख उसकी फेंक आनी है। जय शिव शंभु। अगर मित्रों ये टोटका आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमने गुरुजी के नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए हैं, आप एक बार ज़रूर गुरुजी से संपर्क कीजिए ताकि गुरुजी आपको
आगे के बारे में जानकारी दे पाते हैं। तो इसी के साथ ही टोटका बिने गलत फहमी के पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको ये टोटका समझ में आएगा, और बाकी आप गुरुजी से एक बार ज़रूर संपर्क कर लेना, गुरुजी आपको आगे की जानकारी दे देंगे। जय शिव संभव।